यरोमन अन्योन्याश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिस हिसाब से कल शाम को आप सभी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, उसे देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी कल जेके की फीफा वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के लिए कितने एक्साइटेड थे। या ये भी कहा जा सकता है कि कल सोशल मीडिया पर आई सुनामी ग्लोबल आर्मी को अपने साथ बहा ले गयी। और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर कल हमारे जेके ने न सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट की बल्कि अब तक की उनकी सबसे बड़ी ये परफॉर्मेंस थी, जिसे 500 बिलियन यानी 500 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा। तो मैं आपको जेके की इस ग्रैंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारे हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिसे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल मॉर्निंग में ही बता दिया था कि फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग 7:30 के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जेके की परफॉर्मेंस का टाइम 8 to 9 PM के बीच होगा। लेकिन आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि ओनी जेके की परफॉर्मेंस का वेट नहीं हो रहा, वो कब स्टार्ट होगी। और जैसे ही जेके की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, वैसे ही आप सभी के मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि ओनी थैंक यू, आपकी न्यूज की वजह से हम सभी जेके की परफॉर्मेंस देख पाए। तो मैं अपने उन सभी दोस्तों से यही कहूँगी कि आप रेगुलर वीडियोस देखिए, किसी भी वीडियो को उसके थंबनेल से जज मत करिए। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको हमेशा टाइम से ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम सभी जेके की इस परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड थे, हमारे अदर BTS मेंबर्स भी हमारी ही तरह जेके की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे। तो हमेशा की ही तरह सबसे पहले J-Hope ने अपनी इंस्टा स्टोरी शेयर की, जिसमें वो TV ऑन करके जेके की परफॉर्मेंस का वेट करते देखे। और जैसे ही हमारे जेके टेलीविजन पर दिखना स्टार्ट हुए, वैसे ही J-Hope ने शाउटिंग स्टार्ट कर दी, जिसे देखकर समझा जा सकता था कि वो कितने एक्साइटेड थे। जिसके बाद सुगा ने पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा लेट्स गो जेके। और इसके बाद वी ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि मैं और योनतान जेके की परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं इसके बाद RM ने अपनी स्क्रीन शेयर की, जिसे देखकर आर्मी समझ गई कि RM और J-Hope एक साथ इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे, यानी J-Hope RM के घर पर ही थे उस टाइम। और जिमिन ने स्क्रीन शेयर करते हुए लिखा सो कूल। हालांकि इस बीच किमसक जिनका कोई कमेंट नहीं आया, क्योंकि वो अभी अपनी अदर एक्टिविटीज में बिजी हैं। और जैसे ही परफॉर्मेंस फिनिश हुई, वैसे ही सुगा ने लिखा कि जेके ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये इतने टाइम के एक्सपीरियंस की वजह से हो पाया है। वेल, ये बात तो माननी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस तो सुपर से भी ऊपर थी, और हर एक आर्मी यही कह रही थी, क्या बात क्या बात क्या बात। वेल, मुझे तो परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी। साथ ही दोस्तों, जेके कल अपनी परफॉर्मेंस के बाद लाइव आए थे, जहां उन्होंने ढेर सारे सीक्रेट्स रिवील किए, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो कुछ ही देर में आ जाएगी, उसे देखना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगयो।